तो भाई राजेंद्र जी बोल रहे हैं यहाँ पे ना तितलियों की भी भरमार है, बहुत स्पीशीज है बहुत। चलो दोस्तों ये वाला कोटेज देख लेते हैं, कोटेज वन। पहले तो इसका नाम हनीमून कोटेज था, मैंने वेबसाइट विजिट करी थी, लेकिन अभी फिलहाल वुडन कोटेज वन है, मतलब इसमें क्वीन साइज बेड है, तो भाई कपल के लिए बेस्ट है। और ये देखो किस तरह से इन्होंने वो डाला हुआ है, घास का छप्पर सा, इसके बीच नीचे से एंट्री होगी। वाह, तो देख लेते हैं भाई किस तरह से वुडन कोटेज है। जहाँ पे हम थे ना जंगल में, वहाँ पे आ चुकी हैं ये नाइट जार, बहुत तेज तेज बोल रही हैं, दो तीन आ चुकी हैं। चलो चलते हैं कोटेज में। बिल्कुल भाई, बाहर से देखने में कंटेनर हाउस लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरा वुडन है, और फ्लोर भी वुडन है, क्वीन साइज बेड है। और आप देख सकते हैं कि स्पेस कितना है, दोनों तरफ साइड टेबल है, इंटरकॉम रखा हुआ है, और लैंप वगैरह है, स्टैग डियर की वहाँ पे पेंटिंग है। वाओ, ये स्टडी टेबल भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और मिनी फ्रिज भी है, ये देख लीजिए, ये मिनी फ्रिज है, इसमें आप अपना ड्रिंक्स रख सकते हैं, और कीटल है यहाँ पे, मतलब चाय कॉफ़ी बनाने के लिए ये सब है, और एसी भी है भाई, इसमें एसी भी है, एसी प्रॉपर चलता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा हॉट हो जाते होंगे, तो इसलिए आ जाओ। और यहाँ पर ये देखिए भाई, बाथ टब, ये है मेन बाथ टब, अरे वाह। सो ये बाथ टब सिर्फ इसी भी कॉटेज में मिलेगा, और गीजर वगैरह सब कुछ है, शोवर है, एग्जॉस्ट है, सब कुछ है, इस तरह से मिरर वगैरह सब रखा हुआ है। हेलो, दिस साइड सुभाष चौधरी, ब्लॉग्स मस्ट सब्सक्राइब। सो टॉवल वगैरह सब प्रॉपर रखे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए जी, ये वॉशरूम है और ये रूम है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी है, ये देखिए तो नॉर्मल दिख रहा है, और यहाँ से ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है, ये देखो दोस्तों, ये देखो। दो तरह की आवाज़ आ रही है जंगल से, आ तो तीन तरह की रही है, पर मैं दो बताता हूँ। एक तो आ रही है दूर से, ये वाली आवाज़ आ रही है, एक आ रही है टक 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 टक, ये तो नाइट जार की एक है टक टक वाली। तो ये देखो ये क्या है, ये क्या बोला, ये गिदड़ बोले थे क्या, की भाई 500 तरह के जानवर बोलते हैं भाई। मून भी दिख रहा है ये सामने ऊपर, सुपर्ब। डिटेल ब्लॉग है ला हर्मिटेज रिजॉर्ट से, क्योंकि सुभाष चौधरी ब्लॉग्स यहाँ पे पहुँच चुका है, तो जहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ भाई फुल डिटेल ब्लॉग बनते ही बनते हैं। चलो चाय पीते, अभी आई ना, अभी अजीब सी आवाज़, मुझे पता लगा है, नहीं 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 बच्चों के चिल्लाने की, जैसे बच्चे चिल्ला रहे हो, है ना, मुझे लगा कि तुम चिल्ला रहे हो इधर से। नहीं 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 नहीं, इधर से आई थी, इधर से आई थी, जैसे दो तीन बच्चे चिल्लाते हैं एक साथ, बहुत यही तो मजे हैं यहाँ पे, यही तो मजे हैं। बच्चू अकेला मत रहे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं है, जल्दी ये पकड़ दे, ये पकड़ और उधर जा, लैपटॉप उठा लेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सॉक्स कहाँ हैं, देखो भाई स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है, अरे गिर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। जो यहाँ पे मैनेजर थे, हमें अकेला छोड़ के नहीं जा रहे थे, और बोल रहे थे कि क्या तुम आ जाओगे, तो हमने उन्हें एश्योरेंस दिया हम आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरे में कुछ जाना, और यहाँ पे जंगल में कुछ है, अभी कुछ आवाज़ सी आ रही थी उधर से, जैसे झाड़ी में कुछ चल रहा, भाई कुछ भी हो सकता है टाइगर से लेके ले, पर तक तो थोड़ा सा मैं दूर रहना, एलिफेंट भी का कोई ग्रुप आया हुआ है पास में, उसके नीचे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको रियल मजे लेने हैं ना वाइल्ड लाइनस के, तो इसमें रुक जाओ, वुडन कॉटेज में, लास्ट वाले में, नंबर वन में रुक जाओ, बिल्कुल जंगल किनारे, सुपर एक्सपीरियंस होने वाला, लेकिन बाहर मत निकलना फिर। क्या भाई ये से डर गया, ये फूल हिल रहे थे ना इस जगह। सो दोस्तों हम तो दोबारा से रिसेप्शन के सामने वाले एरिया में आ गए, यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल है, अलग अलग जगह कुर्सी रखी हुई है, ताकि जो भी अपना प्राइवेट बैठने का तरीका यही होता है भाई, कोई भी गेस्ट आया हुआ अलग अलग रूम में अलग अलग, तो आप अलग अलग सेपरेट बैठ सकते, कोई यहाँ बैठ जाओ, कोई वहाँ बैठ जाओ, कोई वहाँ बैठ जाओ, कोई वहाँ बैठ जाओ। बोनफायर के लिए लकड़ी रखी हुई है यहाँ पे, बोनफायर की जगह है, वॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ठंड तो नहीं है, देखेंगे हम क्या करवाना होगा, टपरी में बैठ सकते हैं। लक्ष्मी आर यू एंजॉइंग, अब ठीक लग रहा है, ओ माय गॉड, अब इसने चाय पी ली, अब इसको अच्छा लग रहा है, चाय वैसे अच्छी बना रखी थी, है ना, चाय अच्छी थी। सो दोस्तों सब कुछ ही बढ़िया है यहाँ पे, मैं झूठ क्या बोलूँ, सब कुछ ही अच्छा है भाई। यहाँ पे स्पीकर लग रहा है, यहाँ पे स्पीकर भी मिल जाएगा, आप कभी आएंगे तो म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो स्पीकर, देख लो कौन से वाला इनके पास, ये वाला है क्या भाई, देखो
देखो हवा चलनी चालू होगी एकदम से एकदम से। आइए भाई, किसका फोन आया था? देहरादून में हवा चल रही है। तो भाभी जी बता रही है देहरादून से किसी का फोन आया होगा, तो देहरादून में तूफान आ रहा है और राजेंद्र भी बता रहे हैं कि हाँ तूफान की वार्निंग है, तो उसी की देखो एक झोंका आया हवा का। हाँ कभी कभी हो जाता, अगर हुआ तो फिर हम अंदर बैठ जाएंगे। है हाँ यही है दोस्तों, 7:15 हो रहे हैं, वापस हम अपने रूम में जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए और फिर हम वहीं जा रहे हैं डाइनिंग हॉल के सामने, वहीं बैठेंगे बहुत लंबे समय तक। अंकल जल्दी से लेके हमारे रूम में आ जाओ। ठीक है, तुम्हें जो चीज़ कलेक्ट करनी है कर लो, फिर वहीं चल रहे हैं बोनफायर के लिए। मैं तो भाई लाइट जला के गया था यहाँ की सिर्फ इसलिए, मुझे पता था कि जब वापस आऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा, सो ये ज़रूरी है। लास्ट में मेरा ही कोटेज है तो थोड़ा थ्रिल आ रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी लॉक खोलो और सेफ जगह पे पहुंचो। नाउ आई एम सेफ। सो दोस्तों नाइट में ये भी आ रहा है कोटेज का, हम ये जो सामने कोटेज दिख रहा है ना उसके उधर एक कोटेज है, हम उसमें रुके हुए हैं। ये देखो सबसे पहले कोटेज इन्होंने ये दिया था हमें, मुझे लगा ये इतना वाइल्डनेस नहीं है, इसमें इतना वाइल्डनेस फील नहीं आ रहा, तो फिर हमने बिल्कुल लास्ट वाला कोटेज सेलेक्ट किया था उस तरफ जंगल में, वो अच्छा है काफ़ी। सामने ये जो लाइटें दिख रही हैं आपको, ये अलग अलग गांव हैं ऊपर और इधर ही लेंस डाउन है। चलो लेंस डाउन भी देखते हैं ऊपर चल के। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 7:30, जो लोन है रेस्टोरेंट के सामने रिसेप्शन के सामने, यहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे बॉनफायर एरिया है। क्या कह रहा है अंकल? व्लॉग बनाते बनाते आ रहे हैं। हाँ व्लॉग बनाते बनाते आ रहा हूँ। तो सेब खा रहा है? सेब हमने ना इवनिंग स्नैक्स में मंचूरियन मंगाया है, जो कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अलग से प्राइस है 290 रुपीज़ के तकरीबन, बढ़िया क्वान्टिटी 290 रुपीज़ में मंचूरियन 12 पीस। भाई हमें आंवले चाहिए थे तो भैया ने थोड़े से आंवले दिए हैं यहाँ से पेड़ से तोड़े हुए, ये लो मंचूरियन आ गई अपनी, चेंज करवाइए, पहले वाले में विनेगर और नमक और वो ज़्यादा था, थोड़ी सी कच्ची भी रह गई थी। सो अभी अब क्या किया आपने इसमें? ये लो। तो भैया ठीक करके लाए हैं इसको, तो मेरे ख्याल से सौंस डाल दी, मीठा मीठा हो गया अभी। मैं वही तो पूछ रहा था उससे कि तुमने ऐसा क्या किया है कि इसको ठीक कर दिया दोबारा से। तो भैया इसकी जो बॉल्स थी जो कच्ची थी जिसलिए हमने टेंट कराया था, वो अभी भी कच्ची है। तो भाई एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जिसको मैं रेस करना चाहूंगा, बाथरूम में से बहुत स्मेल आती है अगर एडजस्ट फैन नहीं चलाया तो। हम अभी गए थे कुछ सामान लेने, तो जैसे बाथरूम खोला बहुत स्मेल थी, बहुत ज्यादा, जैसे ऐसा इसी में ही नहीं नॉर्मली बहुत रिजॉर्ट्स में आती है, चक्राता में, विराट खाई में, जो हम वंडर हिल में जाते हैं वहाँ भी आती है, यहाँ भी आ रही है। इन चीज़ों को रिजोर्ट वालों को देखना चाहिए। जो हमारे देहरादून में एयरबीएनबी अपार्टमेंट बन रहे हैं भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी स्मेल नहीं आएगी। सो दोस्तों 9:30 बज रहे हैं और हम बॉनफायर करवा रहे हैं, देखो कितनी ऊंची ऊंची लपटे हैं भाई बॉनफायर की, इतनी बढ़िया बॉनफायर आपको ला हर्मिटेज में ही मिल सकती है, ऐसा लग रहा होली का दहन हो रहा हो। ये देखो ये कैरम बोर्ड खेल रहे थे भाई, अब आए हैं ऊपर थे वहाँ पे, सब मस्ती कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मजा आ रहा है यहाँ पे ला हर्मिटेज। और सामने लेंस डाउन दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो सामने लेंस डाउन, फेमस हिल स्टेशन लेंस डाउन सामने दिखता है बिल्कुल। और यहाँ से भाई शॉर्टकट रास्ता भी है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और तारकेश्वर मंदिर भी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। गुच्चे से मिलो गुच्चे से। क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे? कैरम खेल रहे थे। इधर आ नन्नू, क्या कर रहा था? कैरम खेल रहा था। कौन जीता? कौन जीता? कौन हारा? ये जीता। हम दोनों की टाई हुई है। टाई हुई है, टाई हुई है, टाई हुई है, टाई हुई है, टाई हुई है। सो भाई हम सोच रहे हैं कि 10:30 बजे अपना डिनर करें, जब तक हम इस लोन में मजे कर रहे हैं बिल्कुल रिसेप्शन के सामने। बाकी प्रॉपर्टी तो आपको दिखा दिए, ये सामने जो रूम है प्रीमियम, ये कल मॉर्निंग में दिखाएंगे। अब नहीं बोल रहा, कुछ और है आईना, यहाँ थोड़ी मिलेगा आईना ही लग रही है मुझे, नहीं ये तो उल्लू सकता है। तो भाई देखो सब यहाँ पे बैठे हैं और देखो बॉनफायर भी खत्म हो गई है और 10:15 हो रहे हैं, और नीरज भाई मिले हैं अपनी फैमिली के साथ, आए हैं नोएडा से, ये इन्फोसिस में है सीनियर मैनेजर। तो अच्छा लगा भाई ये दो रात के लिए यहाँ पर हैं, तो इनसे भी दोस्ती होगी। हालांकि ये इन्होंने मेरा एक दो ब्लॉग देखे हैं और सब्सक्राइबर नहीं है, ओटी एक्सपर्ट की सब्सक्राइबर है, अब सब्सक्राइब करेंगे तो इनसे भी अच्छी दोस्ती होगी। है सिर्फ यही ऐसे गेस्ट हैं हमारे अलावा जो यहाँ रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, और ये सामने उस प्रीमियम रूम में रुके हुए हैं जहाँ पे 6 रूम्स हैं पहले ही, जो हमने अभी देखे नहीं है, जो कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा आपको। बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं है, अच्छा लग रहा है, मतलब कमी है, अगर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इनसे भी काफी एक्सपीरियंस लिए भाई, ये भी जंगल में घूमते रहते हैं। ढिकाला की कैंटर सफारी करी है इन्होंने अभी, तो इनको कुछ भी नहीं दिखाया, अभी कुछ नहीं दिखा था वहाँ पे। मैं 6 बार गया हूँ जिम कॉर्बेट, कुछ अच्छा, नहीं दिखा। अच्छा, तो आप सीताबनी घूमे होंगे है ना? तो ये कर्मा रिजोर्ट रुके हैं सीताबनी में, तो इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। द डैन में रुके हैं, पीछे मतलब रिवर फ्लो करता है। अच्छा अच्छा, और उनके रूम्स हैं जो कि मतलब बहुत, वहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, और डैन इज वेरी गुड, मतलब मैं 5 या 6 बार सफारी किया, बट मेरे को कभी कुछ दिखा नहीं। तो ऑफ कोर्स लाइक आई हैव, अगर आपको देखना है तो चलो मैं आप कुछ एडवाइस कर देता हूँ। एक तो यहाँ की नाइट ड्राइव, आप ना यहाँ पे चलो यहाँ तो रुक लिए हो, इससे आगे वनवासा रुकना या फिर कॉर्बेट मैदावन रुकना, तो वहाँ से जो नाइट ड्राइव है, जो मैंने लेपर्ड दिखाया अभी आपको, वो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, वहाँ पे इतने लेपर्ड रोड किनारे, वो वीडियो मैंने देखा है ना, वो देखा है ना आपने? हाँ, वो उसमें उसमें व्यू है, 50-60 हज़ार व्यू है। हाँ, वो तो जिसमें मैं बोल रहा था चुप चुप शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और वो एक दूसरे यूट्यूबर थे रोशन भाई, उनके साथ रोडन टाइगर के साथ था। तो भाई ये इनके दूसरे, मैं एक्चुअली हैरान हूँ कि इनको इस रिजॉर्ट के बारे में क्यों पता है, क्योंकि सबको मालूम नहीं होता है। तो इन्होंने बोला ये लाटिग्रे में गए थे, है ना, तो वहाँ से भी फिर आपको मालूम चल गया होगा, फिर पढ़ा होगा। तो लाटिग्रा भी ये सेम ओनर का है जो कि मारचुला में है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी नॉर्मल रहा इनका। वहाँ का एक्सपीरियंस, दिस रिसॉर्ट इज बेटर है। हाँ, ये अच्छा है। या आई मीन इट इज मोर क्लोज टू नेचर। हाँ, माउंटेन टॉप पे है और मतलब वो रिसॉर्ट थोड़ा सा, बिकॉज कॉर्बेट में रिसॉर्ट्स बहुत है, कॉर्बेट में रिसॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा आप मारचुला जाते हो 10-15 किलोमीटर, उससे बेटर है। यहाँ पे चलो 1 घंटा, लेकिन यू गेट अ डिफरेंट फील, और रूम्स एंड ऑल एमिनिटीज आर बेटर। हाँ नहीं, ये ना रो है, ये थोड़ा सा रो है, और ये जो जंगल है ना, जो मैं आपको बता दूं, जो इस तरफ का ये नॉर्थ पार्ट है कॉर्बेट का, ये कॉमर्शियलाइज नहीं है ये एरिया। आपको देखो कॉर्बेट में आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। हाँ, विद इन कॉर्बेट भी 400 रिसोर्ट है, 400 रिसोर्ट है, उसके बाद आप वहाँ पे 15-20 जा रहे हो में, क्यों जाना है? लेकिन ये जंगल भी बहुत यूनिक है। अभी आपने आवाज सुनी आई, बिल्कुल अलग आवाज थी, मैंने भी लाइफ में नहीं सुनी भाई, बहुत खतरनाक आवाज थी। कुछ बोल रहे हैं हाइना, ये बच्चों बोल रहा है हाइना की, हाइना तो नहीं है ये रिसोर्ट, और वनवासा, वनवासा नहीं, ये वाले जो आपका सोना नदी, सोना नदी से जंगल, ये मंडाल रिवर से जो है ना, ये दो बेस्ट है, मतलब ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व, हाँ, सोना नदी, हाँ, तो गेट है आपका, हाँ, इन दोनों वनवासा इससे भी गजब है, मतलब मैं क्लियरली बोलता हूँ वनवासा जाना जरूर, वनवासा जरूर जाना नेक्स्ट टाइम। बल्कि अभी तो टाइम नहीं होगा, आपको भी तो शेड्यूल है आपका, मतलब 2 रात यहाँ रुकोगे निकल जाओगे, नेक्स्ट टाइम वनवासा ही आना और 2 रात के लिए आना। मॉनसून में आओगे तो मॉनसून में मत आना, मैं क्योंकि ये जो रास्ता है ना कोटद्वार से दुगड्डा, ये अभी आपने देखा होगा कितने पत्थर गिरे पड़े हैं, ये पूरा बंद हो जाता है, कुछ नहीं पता कब पत्थर गिर जाए वहाँ से, तो ये बहुत खतरनाक रास्ता है। हाँ हाँ, मानसून में तो कहीं भी पहाड़ पर मत जाना, मेरा पर्सनल सजेशन है। मानसून में आप मसूरी तक जा सकते हो, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, चक्राता तक जा सकते हो, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, और ऋषिकेश तक जा सकते हो, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, ये मतलब मैं ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूँ आपको। उससे ऊपर अगर गए तो कब पत्थर गिर जाए, बद्रीनाथ जाते वक्त तो आपको ये नहीं पता कि आप 10 दिन फंस जाओ, 7 दिन फंस जाओ। गंगोत्री में 2 गाड़ी पूरी पिचक गई है, गंगनानी के बाद हरसिल से पहले पूरी फैमिली खत्म हो गई है, पूरी फैमिली खत्म हो गई है, सिर्फ मानसून में हरकतें होती हैं ये। तो मानसून के अलावा आप जो घूमना है इन दिनों, ठीक है मई जून में सर्दियों में घूम लो, लेकिन मानसून में कभी भी पहाड़ों पे मत जाना ये, मतलब क्योंकि हम तो यहाँ पे ट्रेवलर हैं, घूमते रहते हैं, और ये भी पता है कि लिमिट कहाँ तक है, देहरादून ऋषिकेश और ये मसूरी सेफ है, चक्राता आप कभी 12 महीने घूम लो। चलो ठीक है, बाकी और कल मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। थैंक यू भाई। राजेंद्र जी आए अभी, अभी सबने सुनी भाई, बल्कि ये तो बोल रहा है कि हाइना जैसी है ना, और ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा लगेगा, ये तो खैर आप तो 12 साल से हो यहाँ पे, ऐसा लगेगा ये भूत आ गया, ऐसी ऐसी आवाजें सुनी है इन्होंने। बर्ड्स की आवाज होती है ना, वो होती बर्ड्स की है ना, होती है हर तरह का जानवर, इस टाइम पक्षी उड़ते हैं तो कई कई तरह की आवाजें। रात में भी मेरे ख्याल से, मुझे लगा एक नाइट जारी बोलती है, लेकिन उल्लू भी बोलता है, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से 10-20 तरह की बर्ड होंगी जो रात में बोलती है। बहुत तरह की बर्ड है, आप रात को रूम से सुने आपने, हाँ हाँ, आपको लगा कोई आदमी चिल्ला रहा है, लेकिन बर्ड्स होती है, बर्ड्स होती है, ये तो है, तो ये तो है, बड़ा भूत ही है। हाँ, अकेला तो डर जाएगा। अच्छा, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा काफी, गेस्ट आगे भैया हमें वहाँ नहीं सुनना भैया, कई बार जब मैं शुरू में आपको कुछ नहीं था, मैंने बताया था, हाँ, गेस्ट रूम में डिस्कस करता हूँ, जैसे लेडीज हंसती है ना कोई भयंकर, हाँ, यहाँ पे आवाज आई, फिर ऊपर आई, जहाँ सुन में बैठ, हाँ, और ऊपर आई, मैं खुद अचानक जैसे लेडीज हंसती है भाई, ऐसी आवाज आ जाओ, और 3-4 जगह यहाँ भी वहाँ भी,
बच्चे मेरे कोरोना टाइम पे बच्चा भी इतना बड़ा है ना, आज से 2-3 साल पहले ये बस ऐसे घूमता रहता था। पर फिर भी बच्चे का ध्यान रखना, जैसे ये है भाई लैपटॉप सबसे ज्यादा पहले इनको उठाता है बच्चों को, पर ध्यान रखना पड़ता है। रात को अंधेरे बच्चों को मत जान दो, बच्चों को अंधेरे मत जान दो, लाइट में कुछ नहीं आता, लाइट में कुछ नहीं आता है। वैसे बाकी अटैक भाई जानवर छोटे पे तो करता ही है, बच्चा हो या जानवर को या इंसान को, जब देखता मैं इस पे हावी हो जाऊंगा तो करता ही होता, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जोड़ के अंदर कोई जानवर ऐसे अचानक आ गया। भाई 7:15 बज रहे हैं, अब डाइनिंग रूम में जा रहे हैं सब डिनर करने। चलो 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 चलो, वैसे तो पास में बैठना चाहिए, सर हो जाएगा आराम से। हाँ इधर बैठते हैं। हाँ क्या कह रहा है? ये टाइगर क्लॉ है। टाइगर नहीं है वो, टाइगर है। टाइगर, टाइगर कैसी होती है? क्या कहाँ पर, कौन सी दीवार पे लकड़ियाँ किस तरह लगा, कौन सी? ये सजावट की है, ये इंटीरियर डिजाइन का पार्ट है। इस तरह की लकड़ियाँ, इस तरह की लकड़ियाँ अच्छी लगती है क्या? इसमें कुछ है या फिर ये डिजाइन का पार्ट है? सिर्फ डिजाइन है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ डिजाइन है भाई, चिपका हुआ है। हाँ सो भाई यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं, मैं तो ये लेके आया था भाई वॉकी टॉकी। एक मिनट, हेलो गुच्चू क्या कर रहा है? हेलो गुच्चू क्या कर रहा है उसमें बोल। बैठा भाई, तू छोड़ दे, तू मत दबाना। ठीक है अभी तेरे लिए नूडल्स आ रहे हैं, देखते हैं फिर खाना। अब बोल। ठीक है। ओके चल ठीक है। तो भाई मैंने ना आज इनके स्पेशल बोले थे कि नूडल्स बना देना, तो इन्होंने नूडल्स बनाए, दो कटोरे दिए इन्होंने हमें, सिर्फ एक ये एक वो। भाई लिटरली इसमें इतना ज़्यादा नमक है, मसाला इतना तेज है कि खा भी नहीं सकते भाई, है ना बहुत ज़्यादा है। कैसी बनाई है इसने? और भाई गोभी में से भी स्मेल आ रही है, सब मसालों की स्मेल आ रही है, वो बोल रहा है बिल्कुल फ्रेश बनाई है इस बार। भाई दाल में भी स्मेल आ रही है, भाभी जी ने खाई तो ये भी नहीं खा रही, मैंने मना कर दिया, इसमें स्मेल आ रही है। तुम खा के देखो तुम्हें कैसी लग रही है? तो मैं नहीं आई, जेन्युइन रिव्यू बताना। आई ना सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, थोड़ा अपना दोस्त से यार। तो भाई इन्होंने चाउमीन ना ये नूडल्स सॉस डाल के दे दिया दोबारा से, और लिटरली इतना नमक था, खाना रियली पैथेटिक दिया डिनर में इन्होंने। भाई एक्चुअली खाना ना नॉर्मल भी हो तो भी हम कुछ नहीं बोलते, खा लेते हैं। नॉर्मल भी खाना हो, घर जैसा हो, नॉर्मल हो, पर हाँ नॉर्मल नहीं है, बहुत एबनॉर्मल खाना है हर चीज, मतलब ऐसे ही खा ही नहीं सकते आप। अजीब से मसाले हैं, कोई भी नहीं खा पा रहा। मसाले अजीब नहीं होते, मसाले भी अजीब होना तो मतलब थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस होता है, बट ये जो स्मेल आ रही है ना खट्टेपन की, ये तभी आती है जब पुराना खाना खराब हो और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, जितना मर्जी खाना बचा भी रखे ना भाई, वही बचा हुआ खाना है बहुत ज़्यादा। और जैसे हमने मंचूरियन भी रिप्लेस किए, अच्छे नहीं थे, तो उसी में सॉस डाल के दे दी और भी ज़्यादा, ऐसे इन्होंने नूडल्स में किया सॉस डाल के दे दी और भी ज़्यादा। स्मेल आ रही है गोभी में से भी, और इसमें से दाल में से भी, दाल भी कोई नहीं खा पा रहा जो हमारे पीछे गेस्ट आए हैं। भैया आपका भी मतलब दाल में स्मेल है और चिकन में स्मेल है, दाल में स्मेल है, वो बोल रहे हैं दाल में स्मेल है। इवन गोभी वाली सब्जी में भी बहुत स्मेल है। हाँ गोभी वाली में, गोभी वाली में मुझे लग रहा है ये फ्रोजन या कुछ ऐसा यूज करते हैं जो खराब हो गया है इनकी वेजिटेबल्स। तो लिटरली भाई हम इतनी कंप्लेन नहीं करते हैं, नॉर्मल खाना भी हो तो भी खा लेते हैं, नॉर्मल से थोड़ा कम भी हो तब भी खा लेते हैं, पर जब ज्यादा हद हो जाए तो बोलना पड़ता है। तो मैंने मैनेजर को फोन किया, वो आ रहे हैं भाई, अब तो एक रायता का ऑप्शन बचा है, तो लक्ष्मी बोल रही थी रायता मंगा लो, तो मैंने रायता बोला, भैया कह रहे रायता नहीं हो पाएगा, तो भाई अभी ना इन्होंने अरहर की दाल दी है दोबारा से, और इसमें नमक ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नमक नहीं है। ऐसा दाल ठीक है, टेस्ट ठीक है इसका, पर नमक नहीं है। चलो हम अपने आप डाल देते हैं भाई। दाल इन्होंने जो अरहर की दी है ये बहुत बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई कमी नहीं है, जिस चीज़ में कोई कमी नहीं है हम बोलेंगे ही नहीं कोई कमी है। नमक की थी, नमक हमने मिला दिया। हाँ बेकार है, हाँ बिलो एवरेज है, ये बोल रहे हैं कि जो नीरज भाई हैं कि बिलो एवरेज खाना है। दोपहर को ठीक था, एक सब्जी में स्मेल आ रही थी, हमने चेंज करवा दी थी, और लेकिन इस बार तो सारी सब्जियों में गड़बड़ थी भाई। अब दाल लाए हैं ये, अब दाल ठीक है भाई। मीठे में आई है सेवैयाँ, और ये ठीक लग रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ ठीक होगी ठीक बोलूँगा, जो बेकार है उसको बेकार बोलूँगा, इसमें कोई मतलब, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है,
कोई शक नहीं है। सो दोस्तों एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं और हम वापस डिनर करके अपने रिजोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों तरफ शांति ही शांति। भाई आप इस रिजोर्ट में आए ना तो सीढ़ी पर आराम से पैर रखना, क्योंकि इनकी सीढ़ी ना बहुत अजीब सी हैं, टेढ़ी हैं, तो पैर मुड़ने का, चोट लगने का थोड़ा सा डर रहता है। दिखाना एक बार टॉर्च। अच्छा मुझे लगा इसमें पानी भर दिया चिड़ियाओं के लिए। अरे रात को चिड़िया आ रही है, रात को इतनी सारी चिड़िया बोलती है यहाँ पे। तुम्हारे वाली चिड़िया ही तो नहीं बोलती रात को, वो बोलती है सुबह? सुबह भी नहीं बोलती? सुबह किस टाइम उठ जाती है वो? सुबह वो 6:30-5 बजे। अच्छा जैसे ही दिन निकलता है उनको पता चलता है? पहले किसी भी रोशनी बढ़ती है ना तो उठ जाती। इनकी लाइटें ना परमानेंट जलती रहती है, ऐसी नहीं है कि मतलब आप इसके नीचे आओगे सेंसर वाली की तभी जलेगी। ठीक है ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि रिजोर्ट के पास है ना, हमें लाइट चाहिए यहाँ पे। अगर अंधेरा हो जाएगा तो बिल्कुल ही कुछ ज्यादा ही वाइल्डनेस एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या यहाँ पर लाइट ना? हाँ एक यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, गैप ज्यादा हो गया लाइट में। ठीक है ज्यादा ही हो वरना कीड़े आते हैं ना लाइटों पे, आजकल तो आ नहीं रहे, मार्च में मानसून में ज्यादा आते हैं। ये कॉटेज है, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने टेढ़े टेढ़े सीढ़ी बना रखी है, बहुत आराम से चलना भाई। ये स्लोप ना बहुत खतरनाक है, मतलब सीढ़ियाँ ना बिल्कुल ऐसे स्टीप में है तो पैर मुड़ने का ना खतरा रहता है। ठीक है गुड नाइट, है ना? ओके चाबी मेरे पास है ना, मेरे पास है। हमारा रिजोर्ट बिल्कुल कोने में, थोड़ा देख के चलना, इधर टॉर्च मारना उधर जंगल में, चारों तरफ इस तरफ नीचे मारो उस तरफ मारो, कुछ नहीं है। चलो दिखाना एक बार, देखना पड़ता है भाई ध्यान से।